हेलो फ्रेंड्स मैं मोहित सिंह वेलकम टू सक्सेस एज ग्रुप अभी मैं आपके सामने डीलिमिटेशन ऑफ मणिपुर, अभी जो आपको डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करने की बात हो रही है आपको ये असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड डिलिमिटेशन करने को लेकर के ये जो आपको बात चल रही है उसी के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ये मैं पर्टिकुलरली मणिपुर का जो इशू है उस पर आपको ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और जो बाकी चारों राज्यों का मतलब किस तरीके से सारा कुछ होना है डीलिमिटेशन क्या है उससे रिलेटेड फैक्ट्स ये सारे आपको देखने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा जो कि मैंने डीलिमिटेशन कमीशन पे बना रखा है तो अब हम मणिपुर का केस देखते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर बेसिकली ये जो मैप है आपको इसमें ये मैप मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें आप देख लीजिए मणिपुर में कितने लगभग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके जो नाम हो गए आपको बॉर्डर आप देख लीजिए किस किस से लग रहा है आपको मैं ये मणिपुर का फिर इधर आपको जो दूसरी तरफ ये जो आपको चार्ट वाइज बताया बता रखा है इसमें ये बता रखा है कि देखिए मेटी हिंदू मेटी मेटी में देखिए मेटी क्या है उसमें हिंदू मेटी भी हैं आपको फिर उसके अलावा और भी जो है मुस्लिम्स हो गए या फिर उस तरीके से अलग अलग मईटी ग्रुप में लोग हैं तो मैटी यहाँ पर कितने हैं ट्राइबल्स कितने हैं नॉन मणिपुरी कितने हैं मणिपुरी मुस्लिम्स कितने हैं टोटल इसमें ऐसा माना जाता है कि 60% परसेंट ऑफ द जो पॉपुलेशंस है वो कहीं ना कहीं मैटी हिंदू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है और फोटी ऑफ द पॉपुलेशन नियर अबाउट जो है वो ट्राइबल्स का है यहाँ पर दोस्तों सो so, आगे बढ़ते हैं हाँ देखिए यहाँ पर मेनली क्या इशू क्या है इन केस ऑफ मणिपुर डिलिमिटेशन वाज डन इन 1973 सेवेंटी थ्री हाँ दोस्तों मणिपुर में जो है वो आपको डीलिमिटेशन हुआ था 1973 में ठीक है एंड सिंस देन देर वुड बी नो डिलिमिटेशन डन फार ड्यू टू कन्फ्लिक्ट विथ इंसर्जेंट ग्रुप्स हाँ जो नॉर्मल वहाँ पे जो आपको इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन डिस्टर्बेंस की वजह से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ दोबारा से डीलिमिटेशन नहीं हो पाया 1973 में ही आपको डिलमिटेशन हुआ था डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करके उसके बाद फिर यहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं हो पाया दोस्तों यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि मेनली आपको हिंदू मैटी कम्युनिटी से बनी हुई है और हिंदू मैटी कम्युनिटी मणिपुर के लगभग लगभग सिक्सटी ऑफ द पॉपुलेशन को कंप्राइज करते हैं तो मेनली जो यहाँ पर आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में है जो कि हिंदू मैटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मेनली वो इस मूव को अपोज कर रहे हैं कि 2001 का सेंसस को बेस मान करके के ये डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका कहना है कि ये जो है सिर्फ एस्टिमेट्स पे बेस्ड था और इनका कहना है कि 2001 का सेंसस अगर लिया जाए तो वो रेलिवेंट नहीं होगा हाँ 2011 के सेंसस के बेसिस पे किया जाए तो उसके लिए ये तैयार है और हाँ दोस्तों गवर्नमेंट इस बात पे फिलहाल विचार कर रही है ये कंप्लीटली ख़त्म करने को बात तो नहीं हो रहा है कि डिलिमिटेशन नहीं करेंगे या तो फिर 2021 के सेंसस के बाद करेंगे ये गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं है गवर्नमेंट हाँ 2011 को बेस मान करके करने पे विचार कर रही है मतलब कि अगर कोई चेंजेस आते भी हैं तो आपको यही होगा कि 2011 के बेसिस पे आपको डिलिमिटेशन किया जाए ना कि 2001 के बेसिस पे और दूसरी तरफ ये जो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि नियर अबाउट 40 परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन कंप्राइज़ करते हैं 90 परसेंट ऑफ़ द लैंड जो है मणिपुर का वो इन ट्राइबल्स के पास है बट इनका रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली में है वो मेनली ट्वेंटी ही है तो ये इस मूव को फेवर कर रहे हैं इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमें और से मिलना चाहिए असेंबली में पार्लियामेंट में इवन पॉपुलेशन के बेसिस पे ही मिल जाए लैंड के बेसिस पे तो कहीं भी नहीं मिलता है बट पॉपुलेशन के बेसिस पे ही मिल जाए तो अभी जितने हैं हमारे एटलीस्ट इससे टू थर्ड और बढ़ने चाहिए नियर अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी के बीच में इनका कहना है कि हमारे सीट्स वहाँ पे असम्बली में और मतलब थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट कि नियर अबाउट असम्बली में और पार्लियामेंट में सीट्स हमारे बढ़ाए जाए तो ये टू थाउजेंड वन के सेंसस के बेसिस पे जो चीज़ें हो रही हैं उसे ये सही मान रहे हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे इनका पॉपुलेशन जो आपको है वो फोर्टी परसेंट है इस वजह से ये उसी को बेस मान करके ये इस बात पे अग्री हुए हैं कि नहीं हाँ यही सही है और इनका कहना है कि वो जो आपको हिंदू मैटी कम्युनिटी मेनली आपको जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरीके से कंप्राइज करते हैं 80 परसेंट ऑफ़ द सीट्स उन्हीं के पास में है तो ये इस वजह से ये नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि फिर अगर ये होता है और बेस माना जाए 2001 को जहाँ पर 40 परसेंट ऑफ़ द ट्राइबल पापुलेशन है तो उनके हाथ से कुछ सीटें निकल जाएंगी और मेनली इन ट्राइबल ग्रुप्स को मिल जाएंगी इस वजह से वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं ये ट्राइबल ग्रुप्स का कहना है दोस्तों तो यहाँ पर वैसे फिर से गवर्नमेंट से जो मतलब रिपोर्ट्स आए हैं उसके बेसिस पे यही कहा जा रहा है कि 2011 के सेंसस को मान करके गवर्नमेंट कर सकती है बट फिर होगा वही इशू अभी वो नहीं मान रहे हैं फिर 2011 का सेंसस लिया जाएगा तो फिर ये ट्राइबल कम्यूनिटीज़ नहीं मानेंगे तो इशू तो होना ही है दोस्तों ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप कुछ भी इस तरीके का चीज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे इशूज़ फेस करने पड़ते हैं अब दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए ये 1991 का सेंसस और इधर देख लीजिए नीचे ये 2001 का सेंसस जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि देख लीजिए 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही ये सारा कुछ हो रहा है और इसमें देख लीजिए ट्राइबल्स कितने हैं फिर आपको मतलब हिंदू मैटीज़ कितने हैं फिर कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स आपको यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये सारा जो इस तरफ आपको है राइट हैंड साइड में वो आपको पूरा वो जो मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है पॉपुलेशन वहाँ पे किन किन का ज़्यादा है और दूसरी तरफ आपको 2001 के सेंसस के बेसिस पे जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ट्राइब्स है वो इसमें दे रखा है नीचे आपको दिया हुआ है जो मणिपुर का रिलीजियस कॉम्पोजिशन हो गया फिर लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन हो गया और इधर आपको ट्राइब्स के बेसिस पे दे रखा है तो इससे आपको एक चीज़ और है कि यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा सो so, खैर थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स अब मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि अब छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको डेडिकेटेड ही बना करके के कर लाऊँ क्योंकि वो सारा न्यूज़पेपर डिस्कसन में वो उतना प्रॉपर वे में कोई एक टॉपिक डिस्कस नहीं हो पाता जिसकी वजह से मैं कोशिश करूँगा अब कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके डेडिकेट वीडियोज़ अलग से ले आऊँ बाकी आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं वहाँ पर आपको इन सातों न्यूज़ के हाँ फ्रेंड्स इन सातों न्यूज़ के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और कटिंग्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और आपको देखिए बेसिकली होता क्या है जो दूर दराज के मतलब इलाकों में रहते हैं जहाँ पर पे न्यूज़पेपर्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये सातों न्यूज़पेपर्स उनको घर बैठे बैठे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाए और वो कंटिन्यू कर सके अपनी तैयारी को सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड विथ मी थैंक यू थैंक्स अलॉच